चलिए साथियों, जानकारी को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, बताएंगे आपको बहुत ही शानदार जानकारी। तो बताते हैं कि बड़ी दिक्कत है, शुक्रवार तक भी नहीं हो सका वेतन आउटसोर्स कर्मचारियों का। सोमवार का इंतजार रहेगा, इनकी आज का 13 मई का इंतजार रहेगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन आ रहा है कि नहीं आता है। बच्चों की आउटसोर्स कर्मचारियों कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि उनके घर के राशन खरीदने के लिए और बच्चों की फीस के लिए भी तमाम प्रकार की जो समस्याएं रहती हैं वह आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उठाना पड़ रहा है। आखिर क्या है, कौन बिचौलिया है जो बीच में आउटसोर्स कर्मचारियों का पैसा रोका जा रहा है या खाया जा रहा है? वो बता देते हैं कि आपको 22 दिन पहले पीएस महोदय ने भी जारी किए थे आउटसोर्स कर्मचारियों को 15,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन देने के आदेश कर दिया था, भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या कारण है इसका, चलिए हम आपको पूरी तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिए और शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो साथियों आपको बताएंगे आपको कि पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, तो बताते हैं आपको कि पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा उठाए 15,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन मई माह में 11 तारीख तक नहीं आ सका है। 12 मई को रविवार होने के कारण भी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल सकेगा, और जबकि आज वर्तमान में 13 तारीख है, 13 तारीख को भी अभी सुबह वेतन नहीं आया है। जबकि प्रमुख सचिव ने प्रमुख सचिव ने आयुक्त स्वास्थ्य विभाग 22 दिन पहले पूरे प्रदेश में ज्वाइंट डायरेक्टर CMHO सिविल सर्जन DPM और DCM को संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि समस्त कर्मचारियों को हर माह की 1 तारीख को वेतन दिया जाए। जैसे कि नियमित कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, उसी प्रकार इन कर्मचारियों को भी वेतन दिया जाए। वहीं बता देते हैं आपको कि आउटसोर्स कर्मचारी मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों का भी वेतन अभी तक 13 मई होने के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं आ पाए। तो क्या कारण है आखिर, तो और किन के बीच की लापरवाही है? तो साथियों आप तमाम प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बता देते हैं आपको कि कर्मचारियों को 12,796 रुपये मिलता है वेतन। तो इस पर लिखा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में काम करते हैं, यह जिला और अन्य चिकित्सकों में पर्चा बनाने और कुपोषित बच्चों का आहार बनाने का काम करते हैं, इन्हें एजेंसी द्वारा 12,796 रुपये का वेतन मिलता है। बता देते हैं आपको जानकारी की सिक्योरिटी एजेंसी को ढिलाई के कारण देरी से मिलता है वेतन। जो कंपनियां बिचौलिया जो ठेकेदार लोग रहते हैं, ठेकेदार लोग समय पर इनका वेतन जमा नहीं करते हैं। बताएं आपको आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए CMHO को सालाना बजट दे दिया जाता है। CMHO द्वारा सिक्योरिटी एजेंसी को वेतन का भुगतान होता है, जिसके बाद हर जिले में अलग अलग एजेंसी के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में सिक्योरिटी एजेंसी को ढिलाई के कारण कर्मचारियों को वेतन देरी से मिलता है, जिसके कारण कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के लोगों को भी मानसिक परेशानी उठाना पड़ती है। साथियों जिस कर्मचारियों को पूरा मासिक खर्चा उसके वेतन पर टिका और उसका वेतन नहीं आता, तो उस कर्मचारी से पूछे उस पर क्या परिस्थिति बैठती है, तो क्या परेशानी होती है आपको बताएंगे। कर्मचारियों ने डीवी स्टार को बताया है कि समय पर वेतन ना मिलने के कारण कई घर मकान की किस्त बाउंस हो जाती है। इसके अलावा बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस भी भरने में समस्या होती है। कई बार दूसरों से उधार लेकर कर्ज घर का काम चलाना पड़ता है। जिन कर्मचारियों की सैलरी कम है उन्हें ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ती है। बता देते हैं आपके मामले में पड़ताल के लिए डीवी स्टार ने भिंड, बैतूल, दतिया, ग्वालियर, शहडोल जिलों में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन की जानकारी ली, तो इन कर्मचारियों को 11 मई तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ था और अभी भी 13 तारीख को भी भुगतान अभी नहीं किया गया है। तो बता देते हैं आपको इसी समय भोपाल, विदिशा में कर्मचारियों को वेतन भी भुगतान नहीं किया गया और आउटसोर्स कर्मचारी बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों का भी वेतन अभी तक वर्तमान में नहीं भुगतान किया गया और इन आउटसोर्स कर्मचारियों को तमाम प्रकार की मानसिक समस्याएं, कर्ज लेकर अपना घर चलाना और बच्चों की ट्यूशन, स्कूल फीस, मकान, रूम रेंट, सभी प्रकार की समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो साथियों बताइए आपको नहीं मिला है वेतन, यहाँ बच्चों के वजन और उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जवाबदारी है, लेकिन हमें अपना परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। कल्पना मिश्रा जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं डिंडोरी की हैं, उन्होंने बताया है कि और बताती है आपको शोभा कुर्मी जी ने बताया कि हमें बजट खत्म होने की बात कही गई है,
इस कारण वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। हर महीने इसी तरह परेशानी बताते हैं और हमारी समस्याओं को और बढ़ाया जा रहा है। और आगे बता देते हैं आपको कि इस माह भी वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। 15 से 20 तारीख तक वेतन आता है, कई बार दो माह का वेतन का भी भुगतान नहीं होता है। गीता यादव, आउटसोर्स कर्मचारी भिंड। तो साथियों, तमाम प्रकार की जानकारी आउटसोर्स कर्मचारी के हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाती है। और बता देते हैं आपको कि साथियों, आउटसोर्स कर्मचारी बिजली विभाग में जो कि 50,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर कार्य रहते हैं, इन आउटसोर्स कर्मचारियों का ना ही समय पर वेतन दिया जाता है और ना ही समय पर इनका PF काटा जाता है। तो तमाम प्रकार की जानकारी है। और साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद वीडियो को बेल आइकन कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए चैनल, जिससे कि सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को ये पता होना चाहिए कि अपना वेतन क्यों नहीं आ रहा है, किस कारण नहीं, ऐसा कौन बिचौलिया है जो बीच में अपना वेतन रोके हुए है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।